हरियाणा में इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पानीपत से इसका आगाज किया है। आज गादरी बस स्टैंड से जो है इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दो बसें जो है यहाँ पर फिलहाल जगादरी बस स्टैंड के परिसर पर मौजूद है और उससे कुछ देर बाद हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इन्हें हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद इनको शहर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पानीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर दा किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। इलैक्ट्रिकल बसों को हरी झंडी दिखाई थी और आज जो है दूसरा जो है यमुनानगर ऐसा जिला बनने वाला है जिसमें इलेक्ट्रिकल बसों की आज से शुरुआत होगी। हालांकि 9 जिलों को जो है इसमें चयन किया गया है और 9 जिलों में जो है इलेक्ट्रिकल बसें चलेंगी और आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद यहां पर जो है इलेक्ट्रिकल बसें शुरू हो जाएंगी। इसमें जो है तमाम फैसिलिटी इन बसों में दी गई है। यहाँ पर जो है एसी की तमाम व्यवस्था की गई है। तमाम जो आज के टाइम में मॉडर्न बसेज हैं उसमें उस तरह की व्यवस्था इस बस में उपलब्ध कराई गई है। 45 सीटर यह बस है और 45 सीटर यह बस है और इसमें जो है 18-20 लोग आसानी से खड़े भी हो सकते हैं और इसके अलावा जो है तमाम जो सुविधाएं हैं इस बस में उपलब्ध कराई गई हैं और जो परिवहन विभाग के जुड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वृक्ष साहब जगादरी से इन बसों की शुरुआत की जा रही है, कितना फ़ायदा लोगों को होने वाला है। देखिए, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय परिवहन मंत्री जी ने एक इस परियोजना की कल्पना की थी और 2022 के बजट में सरकार ने ये घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं उन्होंने घोषणा की थी कि हम 4 शहरों में ये एक शहरी बस सेवा चलाएंगे, इसमें यमुनानगर का भी नाम था। उसके बाद जब ये हमने इस पे स्कीम पे काम करना शुरू किया तो सरकार के विचार में ये आया कि बहुत अच्छी स्कीम है और इसको और शहरों में भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिला के 9 शहर जो हैं जिसमें 8 तो कॉरपोरेशन टाउन्स हैं और 1 रेवाड़ी, इन शहरों में ये करने का फैसला हुआ 2023 में, 2023 के बजट में। उसके बाद विभाग ने बड़ी तेज़ी से काम करते हुए और ये मैं बताना चाहूँगा आपको रिकॉर्ड ब्रेकिंग 18 मंथ्स 18 महीने यानी कि 1.5 साल में ये सिटी बस सर्विस का जो है सरकार का सपना, माननीय मुख्यमंत्री का सपना, माननीय परिवहन मंत्री का सपना, ये जो है ग्राउंड लेवल पे आप देख रहे हैं। बसेस आ गई हैं और आज से ऑपरेशन चालू हो जाएंगे और इसमें काफ़ी फ़ायदा है। पहले सिटी बस सर्विस चलती थी लेकिन वो रोडवेज़ अपने एग्जिस्टिंग बेड़े में से देती थी, बट अब हमने सिटी बस सर्विस को अच्छे तरीके से देने के लिए एक अलग निगम बनाया है, हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड, और वो निगम अलग से काम करेगा। उसमें ये अत्याधुनिक आप देख रहे हैं कि बेड़े में एसी, इलेक्ट्रिक एसी बसेस शामिल रहेंगी और 50 तक बसेस का हमारा लिमिट है, बट 50 से कम में ही प्रति शहर में हमारा शायद काम चल जाएगा, लेकिन हम 50 बसेस तक प्रत्येक शहर में दे सकते हैं। और इस स्कीम में ना सिर्फ जो शहर के जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा बल्कि जो आसपास के गांव हैं 15-20-25 किलोमीटर तक के गांव हैं उनको भी हम कवर करेंगे ताकि लोगों को शहर में जो आने जाने में जो सुविधा रहती है। तो मेरी समझ में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल ही एक समझ लो आप सर्विस हो जाएगी। कितनी बसें चलेंगी? 50 बसेस प्रति डिस्ट्रिक्ट का हमारा विचार है अभी। सर, ऑटो वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऑटो वाले अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम कर रही है, अच्छी बस सेवा दे रही है, पब्लिक को जो पसंद आएगा उसमें से अपना सफ़र करेंगे, उसमें क्या। सर, फिलहाल जो है सिर्फ जो है सर्विस बसेज शुरू की गई है, बाकी जो है दूसरे जो शहर हैं वहाँ पर कभी ये कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब दूसरे जो गांव है लंबी रूट पे ये बसें कब चलेंगी? देखिए, लंबे रूट पे चलने के लिए हरियाणा रोडवेज़ का बहुत बड़ा बेड़ा है, 5,300 बसों की हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है और 45 से ऊपर बसें उसमें हैं, तो बेड़ा है बाकी एरियाज़ को कवर करने के लिए। अभी ये स्कीम 9 शहरों में हुई है। पानीपत में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया, आज ये जगादरी यमुनानगर में आज ये लॉन्च हो रही है और बाकी जो 7 शहर हैं उसमें 30 जून तक हम धीरे धीरे करके एक एक करके सभी शहरों में, क्योंकि नए डिपो बनने हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एग्जिस्टिंग बस डिपो को ही हम प्रयोग में ला रहे हैं,
तो इस तरह से जैसे जैसे डिपो हमारे तैयार होते जाएंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लॉन्च करते जाएंगे। उसके बाद इसका देखते हुए जहाँ पे और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाकी शहर कुछ जो जो कवर नहीं हुए छोटे हैं और वहाँ फिजिबिलिटी अभी नहीं निकल रही है, लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ेंगे फिजिबिलिटी निकलेगी तो हम ज़रूर चलाएंगे। तो किराया कितना रहेगा सर इसका? किराया बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, और जितना रोडवेज का किराया रहता है बिल्कुल एक आम आदमी को की पॉकेट पे इसका कोई असर नहीं आएगा, और बहुत न्यूनतम हमारा किराया है। और अभी फेयर्स हम अभी तो एक हफ्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ऐलान किया था, तो एक हफ्ते तक हम फ्री चलाएंगे सबके लिए, ताकि लोगों को, शहर के लोग वाकिफ़ भी हो जाएं इस सेवा से और लोगों को समझ भी आए अच्छी बस है, इसमें सफ़र करना चाहिए। उसके बाद हम फेयर पॉलिसी पे विचार भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी फेयर पॉलिसी लाएंगे। तो आप सुन रहे थे अनुदीप को, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ट्रांसपोर्ट विभाग का, उनका कहना है कि इन बसों से आमजन को बहुत फायदा होगा और जो किराया है वो बहुत नॉर्मल रहना है। कुछ देर बाद हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे, देखना होगा इन बसों से आम लोगों को कितना फायदा होगा। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।